फॉर हेयर, एलोवेरा फॉर स्किन, एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा। तो आज के वीडियो के टॉपिक होने वाला है एलोवेरा हेयर मास्क। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्फेट ब्यूटी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार पधारे हो तो आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, एलोवेरा को बालों में लगाने का तरीका बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है। एंड बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखा होगा कि एलोवेरा हेयर पे लगाने से हेयर ग्रोथ होता है, एलोवेरा लगाने पे डैंड्रफ कम होता है, एलोवेरा से ये होता है, एलोवेरा से वो होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एलोवेरा का सटीक जानकारी और फायदा, और एलोवेरा को अपने बालों में कैसे लगाए। सो एलोवेरा को हम डायरेक्टली जब प्लांट से कट करते हैं तो यहाँ पे एक पीला कलर का पार्टिकल निकलता है जो थोड़ा सा लचीला सा होता है। ये हमारे हेयर या स्किन के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। जब भी आप फ्रेश एलोवेरा कट करें तो ध्यान रखिए कि ये जो पीला कलर का पदार्थ है इसे आप एक्सट्रैक्ट कर दें। तो इसको आपको धो देना है अच्छी तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे एलोवेरा काट के लाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा सा एलोवेरा प्लांट लगा रखा है, तो यहाँ से मैं 2 strands जो एलोवेरा का है वो कट कर रही हूँ। ओके, तो इसे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर दिया है। राइट नाउ इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। कट करने के लिए हमें चाहिए एक नाइफ एंड इसको स्कूप आउट करना है लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक स्पून। तो इस तरीके से यहाँ पे साइड पे जो इसके कांटे हैं ना, इसको अच्छी तरीके से निकाल दीजिए। गॉट इट? एंड इसको 2 parts में डिवाइड कर देना है एंड स्कूप आउट करना है। इसके अंदर के जो व्हाइट कलर के आपको क्रीम सा मिलेगा उसे हम स्कूप आउट करेंगे। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप एलोवेरा को एलोवेरा के स्किन से अलग करें। तो इस तरीके से आप लोगों ने एलोवेरा को इकट्ठा कर लेना है एक कटोरी में। अब ये रेडी हो गया है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे बालों पे ये अप्लाई हो जाएगा तो हमारे बाल ग्रोथ हो जाएंगे और हमारे हेयर स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर। तो ब्लेंडर में इस तरीके से एलोवेरा के जेल को आप पुट कर दीजिए एंड इसे अच्छा सा ब्लेंड दे दीजिए। ज्यादा ब्लेंड मत कीजिएगा, ज्यादा ब्लेंड करने से इसमें हीट आ जाता है एंड हीट क्या करता है, हमारे बालों को डैमेज करता है। तो हमने इसको दे दिया ब्लेंड। नाउ रेडी, अब इसे आप अच्छे से कटोरे में ले आइए। अब थोड़ा सा एलोवेरा के गुण के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा में है विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, ये तीनों विटामिन हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो वायरल है कि एलोवेरा से हेयर ग्रोथ होता है, तो ये 100% सच बात है। एलोवेरा से हेयर ग्रोथ होता है। अब हम आते हैं, एलोवेरा में है विटामिन B12। B12 से हमारे स्काल्प मॉइस्चराइज रहते हैं। जब हमारे स्काल्प क्लीन रहेंगे तब हमें डैंड्रफ की इशू नहीं होगा। तो सेकंड क्या था, एलोवेरा से डैंड्रफ दूर होता है। तो ये वाला भी जो वायरल है वो भी सच है। अब तीसरी बात आता है कि एलोवेरा से हेयर जो है वो स्ट्रेट होता है। यू कैन सी माई हेयर। बहुत सारे लोग कोई एक आधी वीडियो देख लेते हैं और कहते हैं कि आपके बाल तो पहले से सीधे। अरे नहीं बाबा, आप जाके मेरे सारे वीडियो चेक कीजिए, बाल पहले से सीधे नहीं है। मैं फ्लैक्सीड एलोवेरा जेल इस तरीके से लगाती हूँ जब मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए होता है। लुक एट माय हेयर। इससे पहले मैंने एलोवेरा से वॉश किया है अपने हेयर को, तो इसलिए हेयर का जो टेक्सचर है इस तरीके से हो रखा है। एंड अगर आपका हेयर थोड़ा सा धूप में जाके बर्न हो गया है, डिसकलर हो गया है, तो ट्रस्ट मी गाइस, अब जब एलोवेरा का ये वाला मास्क अप्लाई करोगे तो आपका हेयर बिल्कुल ब्लैक लगेगा एंड ऐसा लगेगा कि आपने कोई ब्लैक कलर करवाया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चीज जो है आपके बालों को नरिशमेंट तो देता ही देता है, साथ ही साथ स्ट्रैंड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे हेयर के स्ट्रैंड्स बीच बीच में से टूटते हैं, ब्रेकेज होता है, तो वो जीरो होता है। तो ब्रेकेज के इशू को भी एलोवेरा ट्रिगर करता है। ब्रेकेज के साथ साथ एलोवेरा में स्प्लिटेंस को ट्रिगर करने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इससे हमारे विटामिन और जो मिनरल्स है वो क्या करेगा, स्ट्रैंड्स को मजबूत करेगा, स्काल्प को क्लीन करेगा, तो हमारी हेल्दी हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। तो ये सिंपल सी बात है कि एलोवेरा में ऐसा जो फैक्टर है, अगर आप स्किन के लिए एलोवेरा की बात करते हैं तो आप सुने होंगे कि जब हमारे सनबर्न होता है तो एलोवेरा उसको ठीक करता है। ऐसे ही जब बाल को भी सनबर्न होता है, हम बाल पे तो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं ना, और कितने सारे लोग हैं जो अपने बालों को ढक के जाते हैं। मैं तो नहीं ढकती हूँ, क्योंकि हर बार स्कार्फ बांधना इज नॉट सो ईजी।
तो इसलिए जब भी आप बाहर जाओ, जब धूप में जाओ, उससे पहले आप ये एलोवेरा वाला मास्क को अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं हम एप्लीकेशन पार्ट पे। तो इस तरीके से सेंटर पार्टीशन कर दीजिए अपने बालों का। जब भी कोई चीज लगानी हो तो बालों को सेंटर पार्टीशन करने से बाल को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं एंड हमारे जो प्रोडक्ट है उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एलोवेरा को एक एक स्ट्रैंड्स पे अच्छी तरीके से मसाज करते हुए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन पार्ट जो है वो एक जरूरी चीज है एंड आप ये ध्यान रखिएगा कि स्काल्प से लेके हेयर के एंड तक आपके सारे जो एलोवेरा जेल है हर जगह पे अप्लाई हो जाए। तो ये कोट की तरह फॉर्म हो जाएगा एंड अपने बालों को आप स्ट्रेट इस तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए तो बालों को इस तरीके से आप खुला छोड़ दीजिए एंड इसको कैप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे आप कितना टाइम रखेंगे, एलोवेरा जेल को आप जितना भी टाइम अपने बालों पे रख सके वेल एंड गुड। मैं तो कहती हूँ आप 2-3 घंटा भी रख ले, क्योंकि इसमें जो कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जो मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, वो अच्छी तरीके से आपके बालों के अंदर चला जाएगा और नरिशमेंट देगा। लेकिन मिनिमम अगर हम बात करें तो मैं एलोवेरा जेल को 30 मिनट्स रखी थी अपने हेयर पे। तो 30 मिनट्स के बाद अपने बालों को आप अच्छी तरीके से एक माइल्ड सल्फर फ्री शैम्पू से वॉश कर दीजिए। एंड मैं यूज करती हूँ बायोटेक के शैम्पू, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने बाल को वॉश करने के बाद नेचुरल एयर से अपने बाल को सूखने दीजिए। अगर आप जल्दी में है तो ड्रायर के कोल्ड मोड से अपने बालों को सुखा दीजिए एंड उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये है जो आपको मेरे बाल दिख रहे हैं। एंड हेयर ग्रोथ के बारे में बात करें सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी रेमेडी को लॉन्ग टर्म पे यूज करने से उसका इफेक्ट दिखता है। एंड जब मैं अपने बालों के बारे में वीडियो शुरू की थी तो ये मेरे जितने भी सारे होम रेमेडी अप्लाई कर करके मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होता है। एंड अभी जो हेयर का जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप नोटिस कर रहे होंगे। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के भी हेयर ग्रोथ होना 100% गारंटेड है। एंड एलोवेरा जेल को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीजर में, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी अगर फ्रेश कट एलोवेरा जेल आप लगा रहे हो तो फिर रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। अदरवाइज यू कैन यूज एनी ब्रांड एलोवेरा जेल, मैं यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल यूज की हूँ। सो इस तरीके से आपको एलोवेरा का बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके आराम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड एलोवेरा के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताना जरूर एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ये था आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।